देख सकते हैं यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट का विभाग बना हुआ है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का जो हमने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, तो आपको मैं अब अंदर की ओर और यहाँ पे करीब हमें एक घंटा हो चुका है और मैंने अपना स्टॉल भी लगा दिया हूँ। और जो मैंने स्टॉल लगाया है ये में मैंने अपना स्टॉल लगाया है, तो मैं अपने स्टॉल को भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो आगे मैं दिखाता हूँ अपने स्टॉल को। देख सकते हैं बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में हमारा स्टॉल लगा हुआ है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे बिहार गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंटल हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉल, और इससे जुड़ी हुई हर चीज़ आप अंदर जाके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो गेट बनाए गए हैं, प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार, तो काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। तो मैं अपने स्टॉल पे ले जा रहा हूँ आपको, जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ, तो ये देख सकते हैं क्वेस्ट अलायंस माई क्वेस्ट। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की किताब दिया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई क्वेस्ट स्टूडेंट वर्क ये लाइफ स्किल्स की किताब है और ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की किताब है और ये एक पैम्पलेट है जो कि क्वेस्ट ऐप है जहाँ पे हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं एनी वेयर एनी टाइम। तो गाइस यहाँ पे आईटीआई के बच्चे लोग भी आए हुए हैं और आप इस तरह से हम आपको और भी आगे दिखाना चाहता हूँ कुछ लेबर डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ अलग अलग लोग आए हुए हैं। राइट, और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं, ये कुछ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे एक गांव में एक जो लाइफ होता है हाथों में आप देख सकते हैं कुदाल है यहाँ पे और ये जो महिला है ये बोझा लिए हुई है और ये आप किसान देख सकते हैं यहाँ पे ये हर लिए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ संदेश दिया जा रहा है इस लेबर डिपार्टमेंट में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि माँ अंबिका भवानी आईटीआई के ये छात्र हैं यहाँ पे और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने बनाया है, जो इनका कंसेप्ट है बिजली को बचत को लेकर फिर सूरज पावर को लेकर, तो एक काफ़ी अच्छा पहल है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं इनकी चीज़ों को जानकारी भी दे रहे हैं बहुत अच्छे से। तो काफ़ी वन बीएचके का फ्लैट को इन्होंने बताया है किस तरह से यहाँ पे बिजली की उत्पादक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखिए 64 ओके, ये क्यों नहीं सर बोल रहा है 2 6 4 ओके 2 6 4 ये तीनों का अलग अलग कोड है, तो कोड होगा कोड जानेंगे तभी कोई चालू कर सकता है, जो कोड जानेगा वही चालू कर सकता है। नहीं, इसको हम यूज मतलब कि पर्सनल ही तौर पे कर सकते हैं ना, पब्लिक तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। जिनको आप कोड बताइएगा वो हाँ वही कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते हैं। यही बात ये अगर सबको चालू कर देते हैं हाँ सबको चालू करेंगे तो बंद तीनों पिन में आ जाएगा, बंद हो जाएगा, तीनों पिन में करंट आएगा तो हमको बिजली। आप सीढ़ी में जा रहे हैं यहाँ से बाहर लीजिए, यहाँ से बाहर लीजिए फिर यहाँ पे चाहेंगे फिर बाहर सकते हैं ठीक है, फिर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे बार उतार सकते हैं बार भी सकते हैं फिर यहाँ पे भी चाहिएगा बार भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ गए बिना स्थान पे आप यहाँ से चाहिएगा तो आप बारना वहाँ छोड़ भी सकते हैं नहीं तो यहाँ से उतार सकते हैं, तो आपको तो यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, नीचे तो नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉल पे बहुत अच्छा एक पहल है ये रैपिडो कैप्टन का, एक घंटे में आप 100 रुपया कमा सकते हैं, तो एक अच्छा पहल है यहाँ पे। तो आपको इस स्टॉल पे आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो आप लोग अवश्य आए सोनपुर मेला के लेबर डिपार्टमेंट में, रेफेल है।
जो कि ITI के ही छात्र ने इसको डिजाइन किया है, इसको बनाया है, और ये 5 लोग मिलके बनाया है इस रैफेल को। और ये ITI हाजीपुर फिटर स्टेट फिटर के बच्चों ने इसको बनाया है, और काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है इसको बनाने में, काफ़ी मेहनत करना। मैंने राज से मिला हूँ यहाँ पे, ये राज जी है जो यहाँ पे सबको सहयोग कर रहे हैं, और ये खाना बनाने में ये सबकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर, और ये मेरा दूसरी बार है जो मैं सोनपुर मेला आया हूँ, और यहाँ पे मैं मिला हूँ। आपका क्या नाम है? ये शिवम कुमार है। तो शिवम, और आपका क्या नाम है? ये दिलीप कुमार जी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, और ये हैं जो लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं, और जी बिजली मिस्त्री हैं। अच्छा, बिजली मिस्त्री हैं, और यहाँ पे लोकल इनका स्थानीय निवासी है, और यहाँ पे इस जो काम काज जो हो रहा है इसमें ये सहयोग कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं। स्टॉल में भी मेरा ही लाइन है, और स्टॉल में भी जो स्टॉल लगा है सब इन्हीं का किया हुआ काम है। तो काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है इस मेले में, 2022 के सोनपुर मेला में। तो थैंक यू, आपका धन्यवाद। ये है अभी शाम का वक्त, और जैसा कि शाम के वक्त में बड़े बड़े शहरों में आजकल छोटे छोटे शहरों में भी आपको भीड़ देखने को मिलेगा, लेकिन सोनपुर में आपको ऐसे ही मेला है, और इस मेले में आपको पता ही है कि जहाँ मेला लगा हुआ है वो भी एशिया का सबसे बड़ा मेला, तो वहाँ पे भीड़ ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो गाइस, यहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं और दूर दूर से आते हैं, तो काफ़ी अच्छा साधन है आने के लिए। आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई अपना पर्सनल व्हीकल से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक दिन में नहीं घूम सकते हैं आप यहाँ पे, करीब आपको 2 से 3 दिन आपको अच्छे से, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं लगे हुए, तो आपको 2 दिन का वक्त लेना होगा इस मेले में आने के लिए। बने रहे हमारे वीडियो के साथ गाइस, आगे का अपडेट के लिए। 4 बजे का समय लेके हम निकल जाएंगे, लेकिन गाइस आपको पता है कि कुछ ऑफिशियली चीज़ें होता है जिसको कि हमें चीज़ों को देखना होता है कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो फिर भी हम लोग करीब 5 बजे यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि शाम का वक्त है, तो ऑफकोर्स ट्रैफिक मिलना स्वाभाविक बात है। देख सकते हैं हम लोग बाईपास पे आ चुके हैं, और यहाँ से करीब हमें 40 से 45 मिनट लगते हैं पटना पहुँचने। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम सुबह बोल भी रहे थे कि अगर ये गुमटी लग जाती है, आगे रेलवे गुमटी है, तो काफ़ी लंबा गाड़ियों का कतार लग जाती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड साइड में ट्रक वगैरह लग गया है, और इस साइड में जो है छोटी गाड़ियाँ भी हैं, और आपको बस वगैरह भी लग गया है, तो काफ़ी जाम हो जाता है शाम के वक्त। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैरिन ड्राइव, जो पटना का ये मैरिन ड्राइव है, अभी जो हाल में ही इसको चालू किया गया है, और शाम के वक्त में जब आप आएंगे मैरिन ड्राइव के पास, तो आपको यहाँ पे लोगों का हुजूम दिखेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के तौर पे लोग आते हैं, अपने समय को बिताते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सकते हैं कि इस नदी, गंगा नदी में एक बोट है जो कि लाइटिंग है, ये लाइटिंग और भी आकर्षक बना रहा है लोगों को लिए। तो करीब हम लोग दीघा क्रॉस कर रहे हैं, दीघा घाट। का है 5:40, और हम लोग 10 से 15 मिनट निकल दिए, आपको हम कुछ अलग चीज दिखा पाए। बने रहें हमारे वीडियो के साथ अंत तक, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हर एक अपडेट हम
हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये देख सकते हैं मैरीन ड्राइव।